मित्रों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन की तिथि को लेकर बहुत से भ्रम और असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको इस वीडियो में आगे चल के पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। लेकिन क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, इसलिए आप इस दिन में कई उपाय करके अपने और अपने भाई के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव ला सकते हैं। तिथि और शुभ मुहूर्त जानने से पहले आइए चलते हैं उपाय की तरफ। पहला है, रक्षाबंधन का त्योहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं। इस तिथि में चंद्रदेव की पूजा करने से मनुष्य का सभी जगह आधिपत्य हो जाता है। यह सौम्या तिथि है। दूसरा, इस बार रक्षाबंधन सोमवार को आ रहा है और सोमवार के देवता शिव और चंद्रमा दोनों ही हैं। अतः ऐसे में दोनों की पूजा करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। तीसरा, घर की रक्षा के लिए लगाया जाता है राम नाम। रक्षाबंधन का पर्व रक्षा करने का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर राम नाम लिखने या लगाने से भगवान राम घर के हर सदस्य की रक्षा करते हैं। चौथा, दुख बाधा दूर करने के उपाय। रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान करने के बाद हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, साथ ही उन्हें नारियल और मिठाई का प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वीर हनुमान भक्तों के सभी दुख बाधाओं को दूर करते हैं। अब क्योंकि महिलाओं का हनुमान जी को छूना वर्जित है, तो आप हनुमान जी के सामने तांबे पात्र में राखी रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। पांचवा, आपको यदि ये लगता है कि मेरे भाई को किसी की नजर लग गई है, तो आप इस दिन फिटकरी को अपने भाई के ऊपर से 7 बार वार कर उसे किसी चौराहे पर फेंक आएं या चूल्हे की आग में जला दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा करने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ जाता है। अगर किसी भाई बहन के बीच में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, तो ये उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इस उपाय से धीरे धीरे भाई बहन की दूरियां कम होने लगेगी और आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा। सातवां, इस दिन बहन को हर तरह से खुश रखने और उसे उसका मनपसंद उपहार देने से भाई के जीवन में भी कई खुशियां लौट आती हैं। आठवां, दरिद्रता दूर करने के लिए अपनी बहन के हाथ से गुलाबी कपड़े में अक्षत सुपारी और 1 रुपए का सिक्का ले लें। इसके बाद अपनी बहन को वस्त्र और मिठाई उपहार और रुपए दें और चरण छूकर उसका आशीर्वाद लें। दिए गए गुलाबी कपड़े में लिया गया सामान बांधकर उचित स्थान पर रखने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। नौवां, इस दिन एकासना करने के उपरांत रक्षाबंधन वाले दिन शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। फिर साथ ही वे पितृ तर्पण और ऋषि पूजन का ऋषि तर्पण भी किया जाता है। फिर साथ ही पितृ तर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, जिससे जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते हैं। दसवां, रक्षाबंधन के दिन गरीबों को भोजन कराना चाहिए और गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही घर के सभी सदस्यों का जीवन सुखमय बीतता है। 11वां, तरक्की के उपाय। अगर तरक्की के रास्ते में बाधाएं लगातार आती रहती हैं, तो रक्षाबंधन के दिन पंचमेवा खीर बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और बच्चों और कन्याओं को पंचमेवा से तैयार खीर बांटें। मान्यता है कि ऐसा करने से रोजी रोजगार में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर के सदस्यों की तरक्की होती है। 12वां, धन लाभ के उपाय। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए रक्षाबंधन के दिन भाई को अपनी बहन के हाथ से गुलाबी रंग के कपड़े में अक्षत सुपारी और चांदी का 1 सिक्का लेकर इसे बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ज्योतिषीय मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी धन की तंगी नहीं रहती है। भाई बहन के रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन इस बार 2 दिन मनाया जाएगा। 30 और 31 अगस्त 2023 को राखी मनेगी, लेकिन 30 अगस्त 2023 को भद्रा का साया रहने के कारण इस दिन राखी बांधना शुभ नहीं है। बेहतर होगा कि 31 अगस्त की सुबह जल्दी राखी का पर्व मनाएं। इस बार रक्षाबंधन के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां विशेष रहने वाली हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने परिवार और घनिष्ठ मित्रों से वीडियो शेयर करना ना भूलें। रक्षाबंधन की आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं अगले